इस वक्त हम ठीक लेह मनाली हाईवे में शेख के पास हैं और आपको सीधे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के बीचों बीच, हाईवे के बीचों बीच बड़े बड़े खड्डे आपको नजर आएंगे और इस वजह से यहाँ से इस हाईवे से गुजरने वाले सभी गाड़ियों को काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो इस जगह पे ज़्यादा खड्डे हैं और इस जगह की बात करें, इस जगह की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि यहाँ से दो अहम मॉनेस्ट्रीज के लिए भी रोड जाता है और इसी के आसपास में शे मॉनेस्ट्री की बात करें, ठीक से मॉनेस्ट्री की बात करें, ये सारे इसी रोड से ही चला जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढे होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले सभी गाड़ियों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो, जिस एजेंसी के अंदर इस ये हाईवे है, तो इस जगह के ऊपर काम करने की अशद ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर रोड की जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है और उस वजह से यहाँ से गुजरने वाले सभी गाड़ियों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और आपको एक बार फिर हम विजुअल में दिखाना चाहेंगे इस जगह पे रोड के बीचों बीच, हाईवे के बीचों बीच लेह मनाली जो हाईवे हैं और हाईवे के बीचों बीच शे के पास रोड की खस्ताहाली हम आपको सीधे विजुअल्स में दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं विजुअल्स में रोड कितना यहाँ पे ख़राब है। इसके ऊपर जिस एजेंसी के अंदर ये रास्ता है, इसके ऊपर कंसर्न डिपार्टमेंट को काम करके इस जगह को साफ करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं चूंकि इस सड़क पर अनजान लोग ज़्यादा चलते हैं, अचानक लगी ब्रेक की वजह से सड़क हादसे यानी रोड एक्सीडेंट का इम्कान है। क्या सरकार एक बड़ी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? खुसूसन रात के वक्त यहां से गुजरने वाले सभी गाड़ियों को काफी मुश्किलात देखने को मिलता है। बने रहे गुलिस्तान के साथ, निसार हुसैन के साथ, मोहम्मद साहब।